गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 9 फ्यूचर्स। हमने जो लास्ट चैप्टर अपना कंप्लीट किया था डेरिवेटिव्स में, वहाँ पे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ वो टॉपिक करेंगे जो नया है, जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके लिए आप जो डेरिवेटिव्स का हमने लेक्चर किया है उसे रेफर कर सकते हैं। तो फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बाय और सेलिंग का, स्पेसिफाइड क्वांटिटी अंडरलाइंग एसेट की उस प्राइस पर जो बोथ पार्टीज ने पहले से डिसाइड किया है ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम। फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेडिंग उनमें होती है, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। मीनिंग हम कर चुके हैं फ्यूचर्स का, टाइप्स हम कर चुके हैं फ्यूचर्स के, डिफरेंस हम कर चुके हैं फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स के बीच में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ मैकेनिक्स ऑफ ट्रेडिंग, कि एक्चुअल में फ्यूचर मार्केट में जब ट्रेडिंग होती है फ्यूचर्स में तो किस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है वो वर्क करता है, वो हम इस टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो पार्टी है जिसका इम्पॉर्टेंट रोल है दैट इज़ क्लियरिंग हाउस। हर एक जो फ्यूचर मार्केट है उसका अपना एक क्लियरिंग हाउस होता है। क्लियरिंग हाउस का काम क्या होता है? क्लियरिंग हाउस एक्ट करता है एज अ इंटरमीडिएटर बिटवीन बायर एंड सेलर। सिंपल सी चीज़ कहें तो बायर के लिए सेलर बनता है और सेलर के लिए बायर बनता है आपका क्लियरिंग हाउस। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है फ्यूचर्स मार्केट में तो कोई भी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने से पीछे नहीं हट सकते। डिफॉल्ट जो ट्रांजैक्शन का है वो नहीं होगा। तो जितने भी मेंबर्स हैं एक्सचेंज के, उन्हें कंपलसरी है कि उनकी जो भी सेटलमेंट है ट्रेड की वो थ्रू क्लियरिंग हाउस ही होगी, चाहे वो परचेज कर रहे हैं डेरिवेटिव को, चाहे वो डेरिवेटिव को सोल्ड कर रहे हैं। और हर एक ट्रेडिंग सेशन के बाद जो सेटलमेंट है वो की जाती है, और मेंबर्स को इसके लिए जो मार्जिन है एक्सचेंज के पास डिपॉजिट करना होता है। तो जो क्लियरिंग हाउस है, जैसे कि हमने बात की, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बायर है सेलर के लिए और सेलर है बायर के लिए। इस मैकेनिज्म से यहाँ पे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से जो क्लियरिंग हाउस है वो वर्क करता है। क्लियरिंग हाउस है, पर्सन ने मनी दी, एसेट उसको मिली, पर्सन ने एसेट दी और मनी उसको मिली। और लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन जो भी वो रखना चाहता है, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि जो भी पर्सन है जिसके पास डेरिवेटिव है, जो ओन कर रहा है डेरिवेटिव को, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को, वो उसे टिल मैच्योरिटी अपने पास रखे हुए है, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए वो अपने पास रख रहा है। शॉर्ट पोजीशन हम तब कहते हैं जब जो पर्सन है जो ओन कर रहा है डेरिवेटिव को वो उसे सेल करना चाहता है शॉर्ट पीरियड में, तो उसे हम शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है टर्म दैट इज मार्जिन। जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो उसमें दो पोजीशन होती है, दैट इज कि आप लॉन्ग जाना चाहते हो या शॉर्ट जाना चाहते हो। लॉन्ग मतलब आप बाय करके आप आराम से वेट कर रहे हैं, प्राइस के मोमेंट को देख रहे हैं। शॉर्ट पोजीशन में आप डिसाइड करते हैं कि आपने उसे सेल कर देना है। तो जो भी पोजीशन है, चाहे लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है, ये नेसेसरी है कि आपको एक इनिशियल मार्जिन एक्सचेंज के पास सबमिट करवाना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। मार्जिन मनी क्या होती है? मार्जिन मनी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह होता है जो बायर और सेलर है दोनों को ही अपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जमा करवाना होता है क्लियरिंग हाउस को।
उसका मेन पर्पस क्या होता है कि कोई भी पार्टी ट्रांजेक्शन से बैकआउट ना कर जाए। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने फ्यूचर्स में की थी, दैट इज़ यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, आपके पास ऑब्लिगेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट को आपने फुलफिल करना ही करना है। तो ना बायर पीछे हट सकता है, ना ही सेलर पीछे हट सकता है। तो उस रिस्क ऑफ सेटलमेंट डिफॉल्ट जो है उसको कम करने के लिए मार्जिन मनी जो है क्लाइंट या जो ब्रोकर है उसे जमा करवानी होती है, सबमिट करवानी होती है क्लियरिंग हाउस को। डिफरेंट टाइप्स के मार्जिन्स होते हैं, जैसे इनिशियल मार्जिन, वेरिएशन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन एंड एडिशनल मार्जिन। जो इनिशियल मार्जिन आप डिपॉजिट करते हो, वो डिपॉजिट करते हो जो लार्जेस्ट पोटेंशियल लॉस एक दिन में आपको हो सकता है उसे कवर करने के लिए। इसमें एक टर्म यूज़ होती है, मार्क टू मार्केट मार्जिन। मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या है, कैसे फंक्शन करता है, जो हम ये नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं मार्किंग टू मार्केट, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जो सेटलमेंट होती है वो ऑन मैच्योरिटी होती है, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है वहाँ पे डेली बेसिस पे जो वैल्यूएशन है एसेट्स की वो की जाती है, और प्रॉफिट और लॉस जो है वो एवरी डे ईच डे सेटल किया जाता है बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशन। इसी को हम मार्क टू मार्केट या मार्किंग टू मार्केट कहते हैं। ये प्रोसेस है एसेट वैल्यूएशन का। यहाँ पे डायरेक्टली डिटरमाइन आप करते हो कि इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलर डे पर लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, इसी को डेली सेटलमेंट भी कहा जाता है। इस प्रोसीजर में ये जो प्रोसीजर करता है, क्लियरिंग हाउस करता है डेली, ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो वैल्यू है एसेट की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसे कितना कवर कर रहा है, और उसी को हम सेटलमेंट प्राइस कहते हैं। और उसके बाद जो भी डेली का आपका गेन और लॉस हो रहा है उसे डिटरमाइन किया जाता है। इसे हम समझ रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज मिस्टर ए है, उसने परचेज किए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्स कंपनी के शेयर्स का। उसने परचेज किया 1000 शेयर्स 200 रुपीज़ पर शेयर पे April 1, 2015 को एट 10 AM 10 बजे जब उसने परचेज किया, उसने 200 के प्राइस पर परचेज किया। पूरा दिन ट्रेडिंग चली, एट द क्लोजिंग जो क्लोजिंग प्राइस था शेयर का उस दिन का, वो 180 रुपीज़ पर शेयर रह गया। तो अब यहाँ पे अगर आपको इसे मार्किंग टू मार्केट करना है तो कैसे करेंगे, 200 रुपीज़ प्राइस था, 180 रह गया, तो डिफरेंस कितना रह गया, 20 रुपीज़ का। मतलब 20 रुपीज़ का लॉस हुआ उसे, 20 into 1000 का उस डे का उसका लॉस था बायर का। ये लॉस जो भी उसने मार्जिन मनी डिपॉजिट करवाई होगी क्लियरिंग हाउस के पास, उसमें से लेस हो जाएगा। अगर फर्दर ये जो लॉस है 2 अप्रैल 2015 को ट्रेडिंग शुरू हुई, फिर वो 170 हो गया, तो मतलब 10,000 रुपीज़ का और लॉस हो गया उसे। वो उसने जो भी मार्जिन मनी जमा करवाई है, सबमिट करवाई है, उससे कट हो जाएगा। ये था जब डिक्रीज़ का केस हो रहा है। सेम तरीके से इंक्रीज़ का केस भी हो सकता है। उस केस में सपोज जो क्लोजिंग प्राइस है आपका 200 पे आपने परचेज किया, वो 210 है, तो मार्किंग टू मार्केट कैसे होगी, 10 रुपीज़ into 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ का जो है आपको प्रॉफिट हुआ। तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था 200 के रेट पर, वो कैंसिल हो जाएगा, और जो बायर है उसे नया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 210 रुपये के हिसाब से। तो जो ये मार्जिन मनी आप जमा करवाते हो वो इस प्रॉफिट और ये जो लॉस हो रहा है आपको इसमें एडजस्टमेंट के लिए आप जमा करवाते हो। प्लस जो मेन उसका मोटिव है, दैट इज़ कि सेटलमेंट डिफॉल्ट ना हो। नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज़ प्राइस लिमिट। इन जर्नल कोई
डे का मिनिमम या मैक्सिमम प्राइस रेंज एप्लीकेबल नहीं होता है सीएनएक्स निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, बट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर एंट्री बाय ट्रेडिंग मेंबर्स, जो ऑपरेटिंग रेंज है वो प्लस माइनस 10% पर रखी जाती है। एट बीएससी कोई भी मैक्सिमम मिनिमम प्राइस रेंज नहीं होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये था हमारा मैकेनिक्स ऑफ ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक इस चैप्टर में आपका आता है, जो आपको करना है, दैट इज मार्केट पार्टिसिपेंट्स, यूजर्स, यूजेस एंड स्ट्रैटेजीज इन फ्यूचर मार्केट्स। फ्यूचर मार्केट में कितने कैटेगरीज के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है हमारा हेजर्स। हेजर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हेजर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना रिस्क कम करना चाहते हैं। ये रियल यूजर्स होते हैं डेरिवेटिव के, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स आप इसे कह सकते हो। दो पोजीशंस ये ले सकते हैं। पहला है हेजिंग दी शॉर्ट, या जिसे हम सेल पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो शॉर्ट पोजीशन लेके हेज कर सकता है। कैसे? बाय एंटरिंग इनटू लॉन्ग पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेम टेन्योर, ताकि जो उसके लॉस के चांसेस हैं ड्यू टू सेल पोजीशन वो उसे कम कर सके। और लॉस कब अराइज होगा? अगर मार्केट इंक्रीज होगा फ्यूचर में, तो इसे ऑफसेट किया जा सकता है बाय बाइंग एनी पोजीशन एट लोअर लेवल्स। नेक्स्ट है हेजिंग दी लॉन्ग, या जिसे हम बाय पोजीशन कहते हैं। जो हमने अभी सेल पोजीशन पढ़ा उसका ऑपोजिट है। इसमें जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करता है एट प्रेजेंट बाय करके, तो वो अपनी जो पोजीशन है हेज कर सकता है बाय सेलिंग दी फ्यूचर्स। नेक्स्ट जो हमारे टाइप ऑफ यूजर्स है, दैट इज स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं? स्पेक्यूलेटर वो पर्सन होते हैं, वो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्पेक्यूलेट करके, अंदाज़ा लगा के प्रॉफिट और लॉस कमाते हैं। इनका मेन मोटिव होता है जो प्राइस डिफरेंस है डेरिवेटिव्स का, उस प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट और लॉस कमाना। जो स्पेक्यूलेटर्स है वो स्पेक्यूलेट क्यों करते हैं? लिवरेज के लिए। फ्यूचर्स हाईली लिवरेज इंस्ट्रूमेंट है। मार्जिन के फॉर्म में पूरा कॉन्ट्रैक्ट की जितनी वैल्यू है उसका स्मॉल परसेंटेज आपको एज अ मार्जिन आपको जमा करवाना होता है क्लियरिंग हाउस के पास, और वो अमाउंट वो डेब्ट की फॉर्म में बोरो करके सबमिट करा सकते हैं और अर्न कर सकते हैं फुल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट है जजमेंट। स्पेक्यूलेशन डिपेंड करता है आपकी जजमेंट और एक्सपेक्टेशन पर। अगर जजमेंट इन्वेस्टर की अच्छी है तो वो ज़्यादा अर्न कर सकता है इन्वेस्टमेंट से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है फ्यूचर्स में वो कम होती है, लेस देन स्पॉट और कैश ट्रांजेक्शन। देन ईज ऑफ ट्रांजेक्शन है, फ्यूचर्स मार्केट ऑफर करती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उन एरियाज में जहाँ पे स्पॉट ट्रांजेक्शन आर डिफिकल्ट टू मेट। देन नेक्स्ट जो आते हैं, दैट इज आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स कौन पर्सन्स होते हैं? वो पर्सन्स जो एडवांटेज लेते हैं डिफरेंट प्राइजेस का सेम अंडरलाइंग एसेट का टू डिफरेंट मार्केट्स में। जैसे सपोज आपकी एक अंडरलाइंग एसेट है, उसका जो प्राइस एक मार्केट में है वो डिफरेंट है और जो दूसरी मार्केट में है वो डिफरेंट है, तो दोनों मार्केट्स में अपोजिट पोजीशंस रखे कि एक मार्केट में वो बाय कर रहे हैं और एक मार्केट में सेल कर रहे हैं, डिफरेंट पोजीशंस रख के वो प्रॉफिट कमाते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडर्स। स्प्रेडर्स कौन होते हैं? स्प्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में इन कॉम्बिनेशन विद अदर डेरिवेटिव्स और स्पॉट एसेट। उनका मेन इन कॉम्बिनेशन विद अदर डेरिवेटिव्स और स्पॉट एसेट्स का मतलब है कि किसी एक
डेरिवेटिव में वो डील नहीं कर रहे हैं, वो डिफरेंट डेरिवेटिव्स में डील करते हैं। उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ मेकिंग मनी।